बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ अमारा एंड आई एम टीचिंग कॉमर्स इन कंकोडिया कॉलेज सियालकोट। जो आज हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है सूरत तजारत का, वो है थोक फ्रोश की एग्ज़ाम काइंड्स ऑफ होल सेलर। ठीक है, काइंड्स ऑफ होल सेलर में आपको नज़र आ रहा है जैसे एक खाका सा बना हुआ है कि एक शीट सी बनो शीट है कि थोक फ्रोश जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखें कि मैनुफैक्चरिंग होल सेलर होता है, ठीक है, जो कि अशिया को बनाता है, ठीक है, ये चीज़ों को बनाता भी खुद है और रिटेलर्स तक फिर पहुँचाने का काम भी ये खुद ही सर अंजाम देता है। उसके बाद आप देखें मर्चेंट होल सेलर्स। मर्चेंट होल सेलर्स कौन होते हैं कि जो माल खरीद कर ना सिर्फ रिटेलर्स को माल फरोख्त करते हैं बल्कि उनको कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर्स तक भी वो खुद ही पहुँचाएँ। आमतौर पर देखें हम लोग जब होल सेलिंग पढ़े होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये इनकी कोशिश होती है कि ये रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा माल फरोख्त करें, लेकिन जो मर्चेंट होल सेलर होता है वो ना सिर्फ रिटेलर्स को माल फरोख्त करता है बल्कि उसके साथ साथ वो कंज्यूमर्स को भी माल फरोख्त करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि है खालिस थोक फ्रोश, प्रॉपर होल सेल्स। ठीक है, प्रॉपर होल सेलर कौन है कि जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ होल सेलिंग के नाम से अंजाम देता है उसको हम प्रॉपर होल सेलर कहते हैं। उसके बाद देखिए अमूमी थोक फ्रोश। अमूमी थोक फ्रोश क्या होता है कि ये लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ों का जो है वो कारोबार करते हैं, जिसमें देखेंगे फर्नीचर वगैरह, स्पोर्ट्स वोट्स आ जाती हैं और समटाइम मेडिसिन आ जाती हैं, और जो रिटेलर है वो फिर एक ही दुकान से अपनी पसंद की और ज़रूरत की जो तमाम अशिया है होलसेलर की होलसेलर से खरीद सकता है। उसके बाद महसूस अशिया का थोक फ्रोश है, ये चंद एक स्पेशल गुड्स में डील करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स होती हैं जिनमें ये डील करते हैं। ठीक है, और रिटेलर जो है उसको यहाँ से सिर्फ वही महसूस अशिया जो है वो मिल सकती हैं। उसके बाद देखें बरामदी थोक फ्रोश है, ये अपनी उसके होलसेलिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। ठीक है, और ये दूसरे मुल्कों में सामान जो है अपना फरोख्त करने का फरीज़ा भी सर अंजाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दरामदी थोक फ्रोश है, जो कि दरामद का फरीज़ा भी सर अंजाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो है आपको महदूद फराइज वाले थोक फ्रोश यानी लिमिटेड होल सेलर्स, और लिमिटेड होल सेलर्स जो हैं ये जस्ट चंद एक फ्राइज़ होते हैं जो सर अंजाम देते हैं, और इनको डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिसमें रैग जॉबर्स हैं, कैश एंड कैरी है, डेस्क जॉबर्स हैं और ट्रक जॉबर्स हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा होल सेलर का जो है टॉपिक वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, 10 चैप्टर्स हम लोग असूल तजारत के पढ़ चुके हैं और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि परचून फ्रोश यानी रिटेलिंग के हवाले से हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हमने क्या पढ़ना है, रिटेल की डेफिनेशन पढ़नी है और उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, डेफिनेशन जैसे कि हम रिटेलर की परचून फ्रोश की पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिटेलर वो होता है कि जो जो है होल सेलर उससे सामान खरीदता है और अपनी दुकान पे फिर कंज्यूमर्स तक एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम जो है वो सर अंजाम देता है। इसी करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अशिया की खरीद है कि ये चीज़ों को खरीदता है और आमतौर पर ये थोक फ्रोश से चीज़ों को खरीदता है या समटाइम्स पैदावार से भी इसके रबते होते हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ भी इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये उनसे भी सामान खरीदता है। अशिया की फरोख्त की बात करें तो ये अपनी सारे खरीद को चीज़ें फरोख्त करता है। ठीक है, और इसके पास मुख्तलिफ नोयत की अशिया होती हैं, इसकी खरीद की जो मकदार है आमतौर पर ये उतनी ही क्वान्टिटी परचेज़ करता है जितनी के ये वह आसानी सेल कर सकता है। ठीक है, और फरोख्त की जो मकदार है वो भी आमतौर पर थोड़ी मकदार में चीज़ें फरोख्त करते हैं सार्फीन को, और जैसे कि आपको अपने घरों के शॉप्स नज़र आ रही होती हैं कि वहाँ पर जो है रिटेलर्स होते हैं और वो चीज़ों को फरोख कर रहे होते हैं, उनके पास बड़ी लिमिटेड सी क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि कुछ तो खैर ऐसी चीज़ें भी रखते हैं जो हमारी डेली नेसेसिटीज़ में आ जाती हैं या डेली यूज़ में आती हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में इनके पास चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखें आमतौर पर ये हमारे जो गलियाँ और मोहल्ले वगैरह हैं यहाँ पे इनकी शॉप, जैसे हमने देखिए होल सेलिंग के बारे में पढ़ा था कि जो होल सेलर होता है वो किसी भी इलाके की सेंट्रल जो लोकेशन है वहाँ पे उसकी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे अपना अपनी शॉप या अपना सेंटर ओपन करूँ सो दैट के एक ईजी अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की रिटेलर को भी और कंज्यूमर को भी। तो इसी तरह से फिर जो इसकी लोकेशन है रिटेलर की वो आमतौर पर हमारे रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं उनके नज़दीक होती है। उसके बाद नकद फरोख देखें कि आमतौर पर ये कैश पे ही चीज़ें बेचते हैं, लेकिन सम टाइम्स ये अपने रिलायबल कंज्यूमर्स को क्रेडिट पे भी चीज़ें फ़रोख करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 8th पॉइंट में जैसे कि एक सरमाया है कि परचून फरोश जो है परचून फरोश को पैदा थोक फरोश की नस्बत कारोबार के लिए आमतौर पर कम सरमाया दरकार होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी चीज़ें लिमिटेड क्वान्टिटी में अपने पास रखनी होती हैं तो फिर कैपिटल जो है इसके पास आमतौर पर उन दोनों की नस्बत यानी प्रोड्यूसर या होल सेलर की इसको कंपेयर किया जाए तो कंपेरेटिवली इसके पास कैपिटल कम होता है। एंड कंज्यूमर्स के
साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट होता है, चीज़ों का डिस्प्ले इसने बड़ा अच्छा आपके शॉप पे दिया होता है, सब टाइम्स जो नई मार्केट में चीज़ आ रही होती है उसका इंट्रोडक्शन भी देते हैं अपनी दुकान पर, उसको भी लेके आते हैं, ठीक है। होलसेलर और एंड कंज्यूमर्स के दरमियान एक कॉन्टैक्ट का जरिया बनते हैं। फिर जो इनका कारोबार है आमतौर पर वो उसी इलाके में होता है जिस इलाके में ये इनकी शॉप होती है ना, जैसे हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में इनकी शॉप्स होती हैं, तो आमतौर पर इनके घर भी वहीं पर ही होते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर इनकी जो ओवरऑल इनकी जो एक्सेस है वो फिर उसी एरिया तक होती है जिस एरिया में ये काम कर रहे होते हैं, और अशिया की दर्जाबंदी भी करते हैं उनको समटाइम्स डिफरेंट चीज़ों को देखें, जैसे कि इस पॉइंट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप रिटेलर की शॉप पे जाते हैं और अगर आपको राइस चाहिए तो आप उनसे अच्छी क्वालिटी के राइस भी ले सकते हैं जो कि वो एक्सपेंसिव देगा, और आप लो क्वालिटी के राइस भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट को टारगेट करना होता है और इन्होंने हर तरह के कंज्यूमर के साथ डील करना होता है। समटाइम्स ऐसे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स होते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होती हैं, और समटाइम्स अगर कोई मिडिल क्लास है या लो क्लास है तो फिर वो ज़ाहिर है नॉर्मल रेट्स पे चीज़ें परचेज करते हैं, तो वो फिर कोई वहाँ पे नॉर्मल रेट्स पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कि पॉइंट है ताज़ा अशिया की फ्राहमी का, कि ये लोग मार्केट में बिल्कुल जो है फ्रेश चीज़ें आमतौर पे अपनी सेल आउट करते हैं, और स्टेल चीज़ें इनसे ना ही तो कोई परचेज़ करता है और ना ही ये उसको सेल करते हैं। उसके बाद देखिए ख़तरा उठाना कि पशु फ्रोश को भी दूसरे दाशों की तरह नुकसान होने या अशिया ख़राब हो जाने का जो है डेंजर, ये जो नुकसान है वो इनको उठाना पड़ता है। फिर ये घर तक फ्राहमी में इसका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि देखिए, क्योंकि ये हमारे रेजिडेंशियल एरिया के पास ही होते हैं, ये हमारे घरों के पास दुकानें होती हैं, तो डोर स्टेप सर्विसेज भी हमें रिटेलर से मिल जाती हैं। इसके बाद ज़हीराकारी की जहाँ तक बात की जाए तो बड़े ही लिमिटेड अमाउंट में चीज़ों को ये जरूर करते हैं, इन्फॉर्मेशन उसके इनके पास अवेलेबल होती है, और आमतौर पर इनकी जो टाइमिंग्स हैं काम करने की वो भी एक्सटेंडेड होती है, क्योंकि घरों के पास होते हैं या फिर घरों में इनकी शॉप होती है, तो ये इन द मॉर्निंग ये लोग अपना लाइक जब अजान हो रही होती है फजर की ऑलमोस्ट उस टाइम ये अपना शॉप ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है रात देर तक इनकी दुकानें आमतौर पर खुली होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम परचून फ्रोश की खिदमात में सर्विसेज की बात करें तो वो भी जैसे हमने थोक फ्रोश की पढ़ी थी कि परचून फ्रोश के लिए भी खिदमात होती हैं, सार्फिन के लिए भी होती हैं, पैदाकार के लिए भी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा रिटेलर है परचून फ्रोश है इसकी भी सार्फिन के लिए और थोक फ्रोश और पैदाकार के लिए कुछ खिदमात हैं जिनको कि हम वन बाई वन देख लेते हैं। उसमें आप देखें कि सबसे पहले जो यहाँ पे जिक्र किया गया है खिदमात का, वो सार्फिन के लिए है, यानी जो हम लोग हैं कंज्यूमर्स हैं हमारे लिए जो खिदमात हैं उनका यहाँ पे सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। उनको हम वन बाई वन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो है अशिया की दस्तियाबी की, ये चीज़ों को अवेलेबल करता है कस्टमर के लिए, उसको उधार की सहूलत भी देता है, और तकरीबन हमारी जरूरत की जितनी अशिया हैं वो उसकी शॉप पर होती हैं, और ये हमें डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी मार्केट में अगर कोई न्यू चीज़ आ रही है, कोई न्यू जो है डिफरेंट लॉन्च हो रही है मार्केट में तो उसके बारे में भी हमें बताते हैं। थोड़ी मिकदार में शेयर की फ्रोख करते हैं, ज़हीरा की सूरत भी इनके पास होती है, और हमें डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश गुड्स जो हैं वो हमें इनकी शॉप से अवेलेबल होती है, क्योंकि स्टेट गुड्स ज़ाहिर इनको पता है कि इनका रोज़ डेली का यही काम है, रोज़ इन्होंने अपने कंज्यूमर से कस्टमर से डील करना है, तो फिर स्टेट गुड्स को ये बिल्कुल भी जो है वो सेल नहीं करते। इसी तरह से ताज़ा अशिया की दस्तियाबी के लिए बिल्कुल फ्रेश चीज़ें जो है मार्केट में भेजते हैं, नई अशिया का भी तारुफ कराते हैं, हमारी ज़ाती पसंद का भी ख्याल रखते हैं, समटाइम्स हमें डिस्काउंट भी दे देते हैं, अच्छे सजेशन भी देते हैं, और अगर आपका जो समटाइम चीज़ें से जो आप परचेज करते हैं वो ख़राब निकल आती हैं वो वापस से कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे साथ तालुकात होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसकी बिना पर क्योंकि हमारे घूम वगैरह में इनकी शॉप्स होती हैं ना, तो फिर आमतौर पर ज़्यादातर हमारे इनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, तो दैट्स वाई ये हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करते हैं। उसके बाद समटाइम बाद फ्रोथ सर्विस भी देते हैं, जैसे कि देखें आपके पास आपके घर के पास अगर कोई रिटेलर है जो कि बेच रहा है अगर मिल्क या योगर्ट वगैरह की सर्विसेज हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप उनको मंथली बेसिस पे करें और वो आपके घर तक जो है वो चीज़ें पहुँचाते हैं डेली बेसिस पे, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद जैसे कारोबार के अवकात की बात की गई थी, तो कारोबार के अवकात भी इनके लॉन्ग होते हैं और डिफरेंट सर्विसेज ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रोश में पैदाकार के लिए भी इस तरह से खिदमात है कि उनके लिए ये अशिया की तकसीम का बायस बनते हैं, उनको ज़हीरा की सहूलत भी फराहम करते हैं, कंज्यूमर्स की पसंद से अदा करते हैं, और समटाइम्स जो है कर्जे की सहूलत भी उनको फराहम करते हैं कि उनसे जो है ये चीज़ें ले लेते हैं, अशिया आमतौर पर ले लेते हैं, और उनको समटाइम्स ये पेश की अदायगी भी कर देते हैं कि अगर कोई चीज़ उनको चाहिए रिटेलर को तो वो पेश की अदायगी करके
जल्दी उस माल को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट फ्लोक में इजाफे का बायस करते हैं, मार्केट रिसर्च उनके पास होती है, एक्सपेंसेस में कमी का बायस करते हैं और अपनी अपने माल को जो है आमतौर पर अपने साथ में ये कम मकदार में माल फ्लोक करते हैं। और पुराना जो इनका स्टॉक होता है समटाइम्स जो ऐसी चीज़ है जो ओवर फैशन हो गई है या जो कि अब यूज़ नहीं है तो उसको भी समटाइम्स ये उसको ईजीली जो है होलसेलर से लेके उसको भी निकाल देते हैं और ये उनके लिए इस चीज़ के लिए भी आसानी का बायस करते हैं कि वो उसको ज़्यादा नहीं होने देते। देखिए पुराने स्टॉक की निकासी के लिए हम लोग हमारे पास अगर आप ऑनलाइन कभी शॉपिंग करते हैं तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ईलो की जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स हैं वो भी इसी की मिसाल है कि जितने हमारा क्योंकि हमारे आपको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो बनाया जाता है और फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो ज़ाया भी होता है। यानी अगर कोई शर्ट है अगर हम किड्स क्लॉथिंग की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू द साइज़ नहीं बनी या इस तरह से उनको फिर थोड़ा सा उसमें इस तरह के जो कपड़े होते हैं क्योंकि वो वेस्टेज में चले जाते हैं तो फिर वो वेस्ट करने की बजाय जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स हैं वो उसको कोशिश करते हैं कि इस वेबसाइट पर हम इस तरह के कपड़ों को कम प्राइस पर जो है वो सेल करें। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को भी समझ इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से फिर वो पुराना जो स्टॉक है या किसी किस्म का उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सेल करने का भी ये बायस करते हैं। तो फ्रोश और जो फ्रोश का डिफरेंस है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है इनका डेफिनेशन तो हमें पता है दोनों की जो भी डेफिनेशन है लेकिन हम इनका डिफरेंस भी जो है थोड़ा क्लियरली इसको चेकआउट कर लेते हैं सो दैट कि अगर कोई पॉइंट दोनों का मिस हो गया है तो वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है उस तरीके सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है खरीदारी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो खरीदारी है। उसमें देखिए कि थोक फ्रोश आमतौर पर खरीदारी करता है पैदाकार से और छूट फ्रोश करता है थोक फ्रोश से। फ्रोक की बात की जाए तो फ्रोश रिटेलर को देता है, रिटेलर आगे से एंड कंज्यूमर को देता है। कैपिटल होलसेलर का आमतौर पर ज़्यादा होता है और जो रिटेलर है उसके पास आमतौर पर कैपिटल जो है वो कम होता है। ठीक है कारोबार की जगह की बात की जाए तो पहले भी आपको मैंने बताया है कि सेंट्रल लोकेशन पर होलसेलर होता है और हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में परचून फ्रोश होता है। मकदार की बात की जाए तो थोक फ्रोश ज़्यादा मकदार में पैदाकार से माल उठाता है और परचून फ्रोश जो है कम मकदार में थोक फ्रोश से माल उठाता है। ठीक है उसके बाद फ्रोक की मकदार भी देखी जाए तो थोक फ्रोश आमतौर पर ज़्यादा अपना जो है माल उसको फ़रोख करता है और जो रिटेलर है वो कम मकदार में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपना माल जो है वो निकालता है। उसके बाद माल का ज़खीरा अगर करने की बात की जाए तो क्योंकि थोक फ्रोश ज़्यादा क्वान्टिटी में माल खरीदता है तो उसके पास फिर माल का ज़खीरा भी जो है वो आमतौर पर ज़्यादा होता है। ठीक है और जो परचून फ्रोश है क्योंकि उसने कम पैमाने पर आमतौर पर चीज़ें परचेज करनी होती हैं तो उसके पास आमतौर पर ज़्यादा वेयर हाउसेज की जो फैसिलिटी है वो नहीं होती। फ्रोक की नौयत की बात की जाए तो थोक फ्रोश आमतौर पर ज़्यादातर उधार जो है माल फ्रोख करता है लेकिन रिटेलर जो है उसका क्योंकि उसको पैसे ढूंढने का भी खतरा होता है तो वो कोशिश करता है कि वो कैश पे ही सेल चीज़ों को करे। माल की नुमाइश की बात की जाए तो थोक फ्रोश आमतौर पर चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करता जबकि रिटेलर थोड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले जैसे कि आप रिटेलर की शॉप पर देख रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ का इवन अगर कोई छोटी से छोटी बबल झोंकम भी है और कुछ टॉफीज़ वगैरह भी हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा डिस्प्ले इसने दिया होता है। ठीक है उसके बाद देखिए माल की नुमाइश और उसके बाद रबता कि थोक फ्रोश और जो है उसका रबता तो आमतौर पर प्रोड्यूसर रिटेलर से होता है ना लेकिन रिटेलर का रबता क्योंकि एंड कंज्यूमर से होता है तो ज़्यादा बेनिफिट उसको इस बात का होता है कि उसको पता होता है कि आमतौर पर कस्टमर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है या कौन सी चीज़ जो है वो काबिल इस्तेमाल है। सेल्समैनशिप की बात की जाए तो थोक फ्रोश को इसकी ज़रूरत नहीं होती जबकि परचून फ्रोश आमतौर पर एक सेल्समैन भी हायर कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो थोक फ्रोश जो है अपने माल की जो तशहीर है उसको आमतौर पर करता है ताकि डिफरेंट रिटेलर्स उसको परचेज करें और रिटेलर को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये खर्चा ऑलरेडी प्रोड्यूसर या फिर होलसेलर उठा लेते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें है मालूमात। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि थोक फ्रोश जो है वो आमतौर पर परचून फ्रोश को डिफरेंट मालूमात फराहम करता है और पैदाकार को भी मालूमात फराहम करता है क्योंकि इनके दोनों से रबता होते हैं और जो परचून फ्रोश है जो रिटेलर है उसका रबता क्योंकि कस्टमर्स के साथ होता है तो वो फिर वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कोशिश करता है कि होलसेलर या फिर प्रोड्यूसर तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाए। इसी तरह से 15 पॉइंट पर आप देखें कि मुनाफे का मार्जिन। देखिए तो होलसेलर का जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है रिटेलर का उसकी नस्बत मार्जिन कम होता है। मार्केट के साथ जो है होलसेलर का एक जो है आमतौर पर आप देखते हैं कि कंट्री वाइड उसके रिलेशन होते हैं लेकिन रिटेलर जिस इलाके में होता है उसका जो स्कोप है वो उसी इलाके तक उसकी एक्सेस होती है। बाद इस फ्रोक सर्विस रिटेलर्स तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन होलसेलर्स प्रोवाइड नहीं करते। कीमतों में इस्तेमाल का बायस भी बनते हैं क्योंकि लेकिन उसमें होलसेलर का ज़्यादा हाथ होता है क्योंकि आमतौर पर वो उसने ऑर्डर लेना होता है पैदाकार से और उसकी ये कोशिश होती है कि वो डिमांड और सप्लाई में जिस हद तक पहले
सके वो उसको रखे। ग्रामदाद और ग्रामदाद की बात की जाए तो कॉकरोच जो है वो इसमें ग्लब्स होता है समटाइम्स के, वो एक्सपोर्ट भी कर होता है इम्पोर्ट भी कर होता है, लेकिन रिटेलर समटाइम आमतौर पर जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें पेज में तो वो माल की नीयत है कि जो होलसेलर है वो आमतौर पर चंद एक अशिया इसमें डील करता है, लेकिन जो रिटेलर है उसकी दुकान पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ आपको अवेलेबल होता है। तो जो फ्रोश की एग्जाम या क्लाइंट ऑफ रिटेलर की बात की जाए तो छोटे पैमाने के जो फ्रोश हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं सबसे पहले तो हमारे पास वो आ जाते हैं जिसमें फिर आप देखेंगे खांचा फ्रोश है, ठीक है। खांचा फ्रोश को नेक्स्ट उन्होंने मजीद कैटेगराइज किया है पैदल माल फ्रोश करने वाले और हॉकर्स, ठीक है। पैदल माल फ्रोश करने वाले आपको पता ही है जो लोग घरों में आमतौर पर फल और फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं और शिप्स वगैरह बेच रहे होते हैं, और हॉकर्स जो है आमतौर पर इनके पास जो है कोई ना कोई कार्ट कोई ना कोई सवारी जो है अवेलेबल होती है। इसी तरह से देखेंगे इसके फ़ायदे हैं, कुछ जो आपके हॉकर्स होते हैं इनके नुकसान भी होते हैं और फ़वाद भी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके पास कोई जो पैदल चल के माल फ्रोश कर रहा है या उसके पास कोई स्टॉल है तो फिर देखें कि उसकी खसूसियात ही होगी ना कि उसके पास प्रॉपर शॉप नहीं होगी, कैपिटल कम होगा, वो हरकत पसीरी जो है उसके लिमिटेड इलाके में होगी, अशिया की नोयत उसके पास सिंपली चंद एक अशिया ही होगी, ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं होगी ना ही ज़्यादा क्वालिटी उसके पास अवेलेबल होगी, और ज़ाहिर है वेयर हाउसिंग होगी तो फिर बिल्कुल भी फैसिलिटी उसके पास नहीं हो सकती। जो कि आपको पता है कि स्टॉल्स वगैरह की चीज़ें सेल आउट कर रहा है तो फिर वेयर हाउसेज की अगर उसके पास एक घर में उसने कोई अपना स्टोर वगैरह बनाया होगा तो बस वही होगा, इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो वो स्टोरेज उनके पास पॉसिबल नहीं होती। कारोबार भी मौसमी कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका डेली बेसिस का खरीदो फरोख्त का होता है और साथ ही इनके साथ भी इनका एक डायरेक्ट रब्ता होता है और ये उनकी ईज के लिए उनकी आसानी के लिए डेली बेसिस पे गली मोहल्लों में जाकर चीज़ों को सेल करते हैं। फसल पैदावार का निकास के आमतौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ फैशन है वो भी आमतौर पर आप देखेंगे या वाजन निकाल के उनको भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उम्र की जहाँ तक बात की जाए तो वो इस कारोबार की लिमिटेड होती है क्योंकि आमतौर पर अगर पैदाकार जो रिटेलर है अगर उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, ज़ाहिर है बंदा खुद ही बेच रहा था चल करके अपनी चीज़ को सेल आउट कर रहा था, तो अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर ज़ाहिर उसका कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। और एक फ़ायदा ये भी है कि हमें ताज़ा अशिया की दस्तियाबी ये नहीं देखी जो आपको डेली बेसिस पर आपके गली मोहल्लों में जो आते हैं हॉकर्स आते हैं स्ट्रीट हॉकर्स आते हैं उनके पास बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, और अगर वो ना फ्रेश रखे हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स तो फिर कोई भी उनसे परचेज जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आप देखें कि खांचा फरोशी के कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, उसमें फिर आप देखें कि अशिया की अदम वापसी ये चीज़ें जो हैं उनको वापस करना आमतौर पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि समटाइम्स ये लोग अगर फ्रॉड वगैरह का केस हो तो फिर एक दफ़ा एक मोहल्ले में जाएंगे दोबारा फिर ये उस तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। इसी तरह से फिर देखेंगे ये तरीक़ाकार भी काफ़ी मुश्किल है कि आवाज़ें निकालवा के आपको चीज़ें बेचनी पड़ती हैं और समटाइम ना कुछ चीज़ें आप बेच रहे होती हैं जो कि मुझे सेहत होती हैं। इस तरह की चीज़ें भी आप जैसे कॉटन कैंडीज देखेंगे मार्केट में वो बेच रही होती हैं और इस कदर बच्चों के टीथ के लिए ख़राब होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम होता है, और समटाइम्स छोटी घरेलू दुकानें जो हैं उन्होंने अपने घरों में ये इस तरह से जो होता है काम ये बेचने का इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, यानी कि अपने छोटे छोटे घरों में ही इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो कि मुझे सेहत होती हैं और फिर वो स्टॉल्स वगैरह पे बेचते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा है कि स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स ने छोटी घरेलू दुकानें की जिन लोगों ने अपने घरों में ही या अपने गली वगैरह के कॉर्नर्स वगैरह पे दुकानें बनाई होती हैं, ठीक है, तो इनके भी आमतौर पर जो इनके असूलियात हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सेम तकरीबन इसके वही हॉकर्स और खांचा फ्रोश वाले उनके भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जनरल स्टोर का है। जनरल स्टोर के बारे में आप जानते हैं जैसे हमारे गली मोहल्ले में पाया जाता है कि जहाँ से हर जरूरत की अशिया आपको अवेलेबल होती है, इस तरह से कुछ स्पेशल स्टोर्स होते हैं। तो स्पेशल स्टोर्स में हम मेडिसिन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है क्लिनिक्स की मेडिकल स्टोर की कि वो जस्ट जो है वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या बेचते हैं दवाइयाँ बेचते हैं, यानी कि वो स्पेशल स्टोर है तो ज़ाहिर है फिर वो एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो सेल करेंगे। इस तरह से भी देखें वन प्राइस शॉप एक कीमत की दुकान या फिर फिक्स प्राइस शॉप कहते हैं कि जहाँ से चीज़ें आपको जस्ट एक प्राइस पर मिलती हैं। फिर नीलाम घर भी एक ऑप्शन है कि नीलाम घर में आपको पता है कि आमतौर पर ऑक्शन हाउस होता है जहाँ पर चीज़ें ऑक्शन पर बेची जाती हैं। इस तरह से फिर देखें रियायती कीमत की दुकान डिस्काउंट हाउसेस, समटाइम्स क्या होता है कि डिस्काउंट पर भी लोग चीज़ें अपनी सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखें एक एग्जाम्पल आपके पास रिटेलर की वेंडिंग मशीन भी है। वेंडिंग मशीन आपको पता है कि डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है जिसमें आपके जस्ट कॉइन्स डालने होते हैं और वो खुद ही मशीन आपको सर्व करती है। तो ये तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स पे, उसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर्स आ जाते हैं। तो लार्ज स्केल
रिटेलर्स में देखें, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है। डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जहाँ से हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होती है। इन लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं कि जैसे कपड़ों का डिपार्टमेंट है, ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा जो कि आपके कोई बर्तन वगैरह है, क्रॉकरी है, उसका डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे बने होते हैं, आपको पता है कि उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद, वो आप देख सकते हैं कि चेन स्टोर है, ठीक है, किसी दुकान या मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर से मुराद आपको पता है कि ये क्या होते हैं, कि चेन स्टोर जैसे एक ही नाम से डिफरेंट इलाकों में ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लें तो फ्रैगोस है, मैजियो है, KFC है, मैकडोनल्ड है, कि एक ही नाम से डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये मैंने ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जो पेपर इज कंसर्न, शोभादारी और चेन स्टोर में फ़र्क, यानी कि जैसे मैंने बताया कि शोभादारी यानी डिपार्टमेंटल स्टोर है, और चेन स्टोर यानी कि एक ऐसा स्टोर जो कि एक ही नाम से डिफरेंट जगहों पर ऑपरेट कर रहा है। तो हमने इनका डिफरेंस देखना है, तो इनका डिफरेंस हम वन बाई वन देख लेते हैं। कि जैसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इंतखाब, ठीक है, कि जो कस्टमर्स होते हैं आमतौर पर उनको बहुत सी जो पसंद की अशियाँ वो डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन किसी भी दुकान या चेन स्टोर से आपको सिर्फ कोई, जैसे अगर वो कोई पिज़्ज़ा शॉप है तो आपको ज़ाहिर है वहाँ से सिर्फ पिज़्ज़ा ही मिलेगा ना, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर से आप डिफरेंट चीज़ों को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कस्टमर्स के आमतौर पर जो ज़्यादा आमदनी वाले कस्टमर्स हैं वो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होंगे, ठीक है, लेकिन जो ये हैं हमारे सिरे दुकान या चीन स्टोर है, ये हर तरह के कस्टमर से डील करते हैं। कीमतों की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर में आमतौर पे कीमतें ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप देखते हैं कि रेट्स का फ़र्क होता है, लेकिन जो हमारी ये चेन स्टोर्स हैं वहाँ पे अगर किसी एक स्टोर पे जो प्राइस है आमतौर पे तमाम दुकानों पे, फिर उनकी वो जो रेट्स हैं वो इक्वल होते हैं। सरमाए की बात की जाए तो ज़्यादा सरमाया डिपार्टमेंटल स्टोर को चाहिए, चेन स्टोर को इतना सरमाया नहीं चाहिए। लेन देन की बात करें तो डिपार्टमेंटल नकद और उधार दोनों तरीक़ों से लेन देन करता है, लेकिन शोभादारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आमतौर पर कैश परचेजेस जो हैं वो करते हैं। और इसी तरह से फिर देखें कि जो शख्सी खिदमात हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होती हैं, लेकिन आमतौर पर चेन स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती। इसी तरह से तशहीर है कि तशहीर का पॉइंट अगर हम देखें तो जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं क्योंकि ये किसी एक लोकेशन पर पाए जाते हैं तो इनको अपनी दूसरे किसी सिटी में एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो हमारे चेन स्टोर्स हैं तो इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि ये एक ही नाम से डिफरेंट जगहों पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो फिर इनको अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए जो है अपना अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। शोभाजात की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन चेन स्टोर में डिपार्टमेंट्स नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से देखें कि तलाफी के इलाके में अगर किसी वजह से नुकसान हो जाए तो ज़ाहिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी इसका जो है वो इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर इलाके में कोई नुकसान हुआ है तो चेन स्टोर सिर्फ उसी चेन स्टोर को नुकसान होगा जो उस इलाके में है, बाकी जो है वो आमतौर पे महफूज ही रहते हैं। उसके बाद देखें कि कोऑपरेटिव स्टोर है, कोऑपरेटिव स्टोर जैसे कि आपको पता है कि इमदादे बाहमी का स्टोर होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए और महंगाई के बोझ से अपने आप को बचाने के लिए जो स्टोर बनाते हैं उनको हम आमतौर पर कोऑपरेटिव स्टोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट का भी आपको अंदाज़ा है अच्छे तरीके से कि ये एक बहुत बड़ी रिटेल की शॉप होती है कि जहाँ पे आमतौर पे सेल्फ सर्विस होती है कि खुद ही आपको वो ट्रॉलीज़ वगैरह दे दी जाती हैं और उनके ज़रिए आपने डिफरेंट जगहों से उसके डिफरेंट एरिया से शॉपिंग कर लेनी होती है। फिर हायर परचेज शॉप है। हायर परचेज शॉप जैसे कि आपको पता है कि जहाँ से हम लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें परचेज करते हैं उनको हम हायर परचेज शॉप कहते हैं। फिर मेल ऑर्डर बिजनेस है कि बजरिया डाक जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो इस तरीके का हम मेल ऑर्डर बिजनेस का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखें फिर आपके पास जो है स्काई शॉप अवेलेबल है। क्योंकि स्काई शॉप में आमतौर पर हम मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अपना जो हमारा रेडियो या टीवी वगैरह है वहाँ पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं और अपनी चीज़ों को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए आजकल का जो दौर है, अगर हम आज के दौर की बात करें या आजकल के इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें फिर इंटरनेट शॉपिंग या बजरिया इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसका ट्रेंड बहुत ही कॉमन हो गया है कि आमतौर पर लोग जो हैं अब क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी देखें इसके भी कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि समटाइम जो चीज़ आप ऑर्डर करते हैं वो आपको नहीं मिलती, लेकिन समटाइम्स जो चीज़ आपने ऑर्डर की होती है एग्जैक्ट वही चीज़ आपको आसानी से मिल भी जाती है। तो दिस इज़ योर चैप्टर।
एंड दिस इज क्लोज्ड नाउ एंड आई होप यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.